हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर का एक्सपोर्ट करता है, एक ऐसा देश जहाँ चॉकलेट बनाने की शुरुआत हुई थी। इस देश में कॉर्न को यानी मक्का पहली बार उगाया गया था। एक ऐसा देश जो अपने अजीबोगरीब चीज़ों के कारण दुनिया में फेमस है। इस देश की राजधानी को एक झील पर बनाया गया है जो हर साल 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर जा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे पॉपुलर देशों में से एक मैक्सिको के बारे में बताने जा रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। इसके पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर है, दक्षिण में ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सागर है, पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी है और उत्तर में अमेरिका स्थित है। मैक्सिको कुल 1,97,2550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। जनसंख्या के मामले में इसे 10वां सबसे बड़ा देश माना गया है। यहाँ की 84% जनसंख्या शहरों में रहती है और 16% गाँव में। यहाँ पर लगभग 180 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मैक्सिको का ऑफिशियल नाम मैक्सिको नहीं है। इस देश को यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स भी कहा जाता है, लेकिन यह नाम एक तरह से किताबी नाम है क्योंकि यहाँ के लोग भी अपने देश को मैक्सिको ही बुलाते हैं। इस देश को लैंड ऑफ जगुआर भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगुआर पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर जगुआर को प्रॉपर प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। जहाँ इस देश में एक तरह जगुआर जैसे जानवर पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे छोटे ब्रीड के कुत्ते भी पाए जाते हैं जिनका नाम चिवावा है। डॉग्स लवर इसे जरूर जानते होंगे। मैक्सिको में एक जाति थी एस्टेकस, जिसका स्पेनिश से पहले राज हुआ करता था। उन्होंने अपनी कुल आबादी में से लगभग 3 लाख लोगों की बलि दे दी थी क्योंकि वो सूर्य देवता को खुश करना चाहते थे या पिरामिड में खुद को खत्म कर लिया करते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से सूर्य देवता खुश होंगे। आगे बात करेंगे हम लोग इस देश के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले, आप हमारे इस चैनल ह्यूमन टॉक हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पर बनी सारी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, मैक्सिको दुनिया भर में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के कुछ ब्रांड जैसे इंडो, पैसिफिको, टिकाटे, विक्टोरिया और बेहेमिया वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की इकोनॉमी बहुत हद तक बियर एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा दिन है जो सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सभी बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, पर मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ इस दिन बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को गिफ्ट चाहिए तो उन्हें 6 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ता है। यह देश जो कॉबॉयज की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कॉबॉयज को वैकेरो के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले इसी देश में हुआ था। चॉकलेट, जो दुनिया भर में पसंदीदा चीज़ है खाने में, वो सबसे पहले मैक्सिको देश में ही बनी थी। इसका आविष्कार 1400 से 1500 BC में ही हुआ था। बेबी कॉर्न यानी मक्का इसी देश में सबसे पहले उगाई गई थी। मैक्सिको में 7000 साल पहले इसे डेवलप किया गया था। मिर्च का उपयोग पहली बार करीब 7000 ईसा पूर्व मैक्सिको में हुआ था। मिर्च का उपयोग बाकी दुनिया में तब हुआ जब इटालियन समुद्री नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत का समुद्री मार्ग खोजते हुए अमेरिका पहुँच गए। उनके साथ मिर्च यूरोप पहुँची। दोस्तों, इस देश के लोग काफ़ी खुश मिजाज और मिलनसार होते हैं, जिस वजह से दुनिया में मैक्सिको दूसरा सबसे बड़ा खुश मिजाज रहने वाला देश है। मैक्सिको में एक खास प्रकार का खरगोश पाया जाता है जो मैक्सिको के ज्वालामुखी एरिया के पास पाया जाता है। इसे इसलिए वोल्केनो रैबिट भी कहा जाता है। यह खरगोश दुनिया का दूसरा सबसे छोटा खरगोश है और काफ़ी दुर्लभ प्रजाति भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इसकी तादाद 7000 ही रह गई है। दोस्तों, मैक्सिको देश रिंग ऑफ फायर जोन में पड़ता है। रिंग ऑफ फायर दुनिया का वो एरिया है जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो होता है। यहां पर 450 से भी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं। दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी भी मैक्सिको में है। इसकी ऊंचाई 13 मीटर है और चौड़ाई 23 मीटर है। मैक्सिको देश की राजधानी है मैक्सिको सिटी। यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैक्सिको सिटी को एक झील पर बसाया गया था।
इसलिए यह शहर हर साल 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे की ओर जा रहा है। यह शहर पिछले 60 सालों में 30 फीट से भी ज़्यादा डूब चुकी है। दोस्तों, मेक्सिको का सबसे पॉपुलर खेल फुटबॉल है, लेकिन यहाँ पर स्पेन का शासन काल काफ़ी समय तक चला था, इसलिए यहाँ पर बुल्स फाइटिंग भी काफ़ी फेमस है। मेक्सिको दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चांदी प्रोडक्शन करने वाला देश है। इस देश ने साल 2017 में तकरीबन 6,100 मैट्रिक टन चांदी का प्रोडक्शन किया था। मेक्सिको में केवल एक ही गन शॉप है, जो कि मेक्सिको सिटी में है। अगर आप गन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। यहाँ लीगल गन लेना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ का रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ हर रोज 38 गन ऑन एवरेज सेल की जाती है। वहीं 600 से ज़्यादा गन यूएसए से ब्लैक में आ जाती है। पिछले 4 साल में 1,00,000 से भी ज़्यादा गन पकड़ी जा चुकी है। इस देश में ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ब्राज़ील के बाद यह दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा कैथोलिक रहते हैं। मेक्सिको देश में कुल 68 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। दोस्तों, स्पेन में भी इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितने कि मेक्सिको के लोग बोलते हैं। इस देश का खाना भी वर्ल्ड फेमस है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिशेस का आविष्कार किया जो कि वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के खाने में जायके का कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड फेमस सीजर सैलेड भी मेक्सिको की ही देन है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर में पिरामिड के लिए इजिप्ट प्रसिद्ध है, पर शायद ये बात आपको पता ना हो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको देश में है, और यह पिरामिड 177 फीट लंबा है और इसका आधार 45 एकड़ से अधिक है, और यह पिरामिड आयतन के मामले में सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच सब कुछ बंद रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग इन दिनों में सेलिब्रेट करते हैं द डे ऑफ डेथ को। इन 3 दिनों में यहाँ के लोग अपने परिवार के मरे हुए लोगों को याद करते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भूत प्रेतों को भी बहुत माना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि आप किसी आत्मा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली रात में तंत्र मंत्र का काम जोर शोर से चलता है। नमक का प्रोडक्शन के मामले में यह देश सबसे पहले नंबर पर आता है। यह देश हर साल औसतन 75,00,000 टन नमक का उत्पादन करता है। एल एंजल का साइन इस देश के मेक्सिको सिटी में दिख जाएगा। यह यहाँ की आज़ादी का प्रतीक है। यह स्टेच्यू 150 फीट लंबा है, जिसे 1990 में बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न का आविष्कार भी मेक्सिको देश में ही हुआ था? वो भी आजकल में नहीं, बल्कि 9000 साल पहले ही इस देश ने पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर दिया था। मेक्सिको की करेंसी भारत की करेंसी के मामले में थोड़ी मजबूत है। वर्तमान समय में एक मेक्सिकन पेसो की कीमत भारत के 3.38 रुपए के बराबर है। इस देश की महिलाओं को 1958 से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, ये था मेक्सिको देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।